हड्डियों की संरचना कई घटकों से मिलकर होती है, जिसमें मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, सेल जिसमें 2% होता है, मैट्रिक्स 98% होता है। अब इन दो घटकों के और भी अन्य अवयव या घटक होते हैं, तो इस वीडियो में हम कॉम्पोजिशन ऑफ बोन्स या हड्डियों की संरचना के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने मानव शरीर की कुल 206 हड्डियों के बारे में जाना। 206 हड्डियों के अलग अलग पार्ट में वीडियो बने हुए हैं, सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल में एनाटॉमी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हड्डियों में सेल के घटक 2% होते हैं। इसके अंतर्गत कुल 3 घटक होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट इमैच्योर सेल होती है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है और ये मैट्रिक्स बनाता है और बोन की मिनरलाइजेशन करता है। ऑस्टियोसाइट्स इमैच्योर सेल्स होती है, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। जब ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योर हो जाता है तो ऑस्टियोसाइट्स बन जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट ये डिमिनरलाइजेशन का कार्य करता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये हड्डियों की मरम्मत और रख रखाव का कार्य करता है और हड्डियों के ऊतकों को विखंडित करता है। ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है या यूं कहें अस्थि पुनर्शोषण का कार्य करता है। मैट्रिक्स, हड्डियों में मैट्रिक्स 98% होता है। मैट्रिक्स दो अवयवों से मिलकर बना होता है, इनऑर्गेनिक जो कि 65% होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट होते हैं, ऑर्गेनिक जो कि 35% होता है, इसके सब्सटेंस प्रोटीन और कोलेजन होता है। इसमें जो कोलेजन होता है टाइप 1 का होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको कॉम्पोजिशन ऑफ बोन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।